आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। घर घर तिरंगा अभियान को लेकर अजमेर जिले में सबसे बड़ी रैली किशनगढ़ ग्राम पंचायत के खातोली ग्राम में निकाली गई। ग्राम पंचायत के सरपंच हरिराम बाना के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा रैली में 251 ट्रैक्टर 251 बुलडोजर के साथ वाहनों के काफिले में 5,000 से अधिक स्कूली छात्र व ग्रामीण शामिल हुए। तिरंगा यात्रा किशनगढ़ रूपनगढ़ मुख्य मार्ग से होते हुए ग्राम पंचायत खातोली पहुंची, जहां ग्रामीणों ने ग्रम जोशी के साथ सरपंच हरिराम बाना के नेतृत्व में निकाली गई रैली का स्वागत अभिनंदन किया। घर घर तिरंगा अभियान को लेकर ग्राम पंचायत खातोली में निकाली गई रैली की चर्चा जिले भर में रही। खातोली ग्राम पंचायत में निकाली गई तिरंगा रैली में 251 बुलडोजर तथा 251 ट्रैक्टर के साथ वाहनों का काफिला शामिल हुआ। ग्राम पंचायत खातोली के सरपंच हरिराम माना ने बताया कि इसके लिए एक दिन पहले ही पूर्व तैयारी कर ली गई। आसपास की ग्राम पंचायतों से बुलडोजर तथा ट्रैक्टर को ग्राम पंचायत खातोली बुलवाया गया। यहां से वाहनों के काफिले के साथ रैली ग्राम पंचायत खातोली पहुंची, जहां ग्रामीणों ने खातोली सरपंच हरिराम माना के नेतृत्व में आए ग्रामीणों का स्वागत अभिनंदन किया। पंचायत के युवा सरपंच हरिराम माना ने बताया कि ग्राम पंचायत खातोली के हर घर तिरंगा अभियान में काफी उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने घर घर तिरंगा वितरित किया, जहां परिवार के बुजुर्ग सदस्यों द्वारा अपने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। 251 ट्रैक्टर 251 बुलडोजर के साथ निकाली गई तिरंगा रैली की अजमेर जिले में खासी चर्चा रही। सर, जैसे हर साल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घर घर तिरंगा अभियान चालू किया है, इसी तरह हमने 14 अगस्त को तिरंगा रैली का अभियान किया, तो 251 ट्रैक्टर 51 बुलडोजर और कम से कम 5,000 पब्लिक के साथ में किया, बच्चों को गांव वालों सबसे मिलकर, और घर घर तिरंगा रैली घर घर तिरंगा का अभियान कराया, हर घर पे ऊपर तिरंगा लगाया और सब गांव वालों को सबको तिरंगा किया।